पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ फ्लावर, पुष्पीय पौधों के नर जननांग जिनमें एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के संरचनाओं के बारे में और प्रोसेस के बारे में आपने देखा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द फ्लावर के बारे में जानेंगे। इसमें जो सेक्स ऑर्गेन है मेल और फीमेल सेम पर भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम जिसे पिस्टिल भी कहा जाता है। अब मैं फिगर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए गाइनोशियम के जो पार्ट हैं ये सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे होता है ओवरी। ये थैलमस है ये। बाकी मेल सेक्स ऑर्गेन को हम नहीं इसमें बना रहे हैं, क्या फीमेल सेक्स ऑर्गेन। ये आपका है स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये है ओवरी। ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल में बनता है न्यूसेलस, न्यूसेलस और न्यूसेलस में के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में तीन एंटीपोडल सेल, दो सिनर्जिड, एक एग सेल, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का एक पार्ट है। जो ओवरी है इसको हम कार्पेल बोलते हैं, पूरी रचना को। ये दो प्रकार का होता है, देखिए कुछ तो मोनोकार्पेल भी होते हैं, एक ही कार्पेल के बने होते हैं, कुछ में कई होते हैं, उसको कहते हैं पॉली कार्पेल या मल्टी कार्पेल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम भिंडी एवेलमोचस स्कुलेंटम, क्या है ये एक कार्पेल होता है, मल्टीलॉकुलर होता है। ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, इन्फीरियर होती है। ये सेन कार्पस होता है या एपोकार्पस होता है, ये आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। तो जो पिस्टिल होता है अगर फ्यूज होता है तो सिन कार्पस होता है और फ्री होता है तो एपोकार्पस होता है। अगर कार्पेल एक होगा, सिंगल होगा तो मोनोकार्पेल री, और मोर देन वन होता है तो पॉलीकार्पेल री कहलाता है। फ्यूज को हम सिन कार्पस, बेस्ट एग्जांपल है सोलोनेसी और मालवेसी में। ये क्या है सिन कार्पस हैं, जैसे हम जब फ्लोरल फार्मूला मालवेसी का लिखते थे तो उसमें जी लिखते हैं, जी मतलब गाइनोशियम। कितने हैं, पांच हैं। पेंटाकार्पेल री और पेंटाकार्पेल री है जुड़े हुए हैं तो सिन कार्पस, और ओवरी सुपीरियर है तो नीचे एक हम अंडरलाइन करते हैं। तो इस प्रकार से मालूम हो गया पेंटाकार्पेल री, सिन कार्पस और ओवरी सुपीरियर। तो यह चीज यहाँ के बारे में भी हम जानेंगे कि जो फ्यूज होते हैं सिन कार्पस होते हैं, फ्री होते हैं तो एपोकार्पस, और एपोकार्पस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेनेनकुलेसी फैमिली में रेनेनकुलस है, और एस्क्लेपीडियसी में है एस्क्लेपीडिया या कैलोट्रॉपिस। ये क्या होते हैं, एपोकार्पस होते हैं। अब पिस्टिल के जो भाग हैं गाइनोशियम के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। इनमें ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं सीधे ओव्यूल पर। ओव्यूल जो है ओव्यूल छह प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। पहले ओव्यूल की हम संरचना जाने। ओव्यूल की संरचना में एक फिगर दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। ये ओव्यूल है जो भी टाइप्स बताएंगे, इसके टाइप्स भी होते हैं ओव्यूल के। देखिए ये इंटेग्यूमेंट है, ये जो भाग है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है इसको कहते हैं फ्यूनिकल।
यहां पर है हीलम, ये जो भाग होता है माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट चलेजा होता है, ये है माइक्रोपाइल। अब देखिए ये है न्यूसेलस के अंदर ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक सेल होते हैं, ये तीन है सिनर्जिड और यहाँ दो है, तीन एंटीपोडल दो सिनर्जिड और एक सेल और यह है पोलर न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यह है ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर न्यूसेलस होता है, कुछ एंटीग्यूमेंट्स होते हैं और सबसे बीच में एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल सेल, एंटी पोडल सेल ये दो हैं सिनर्जिड, ये सिनर्जिड हैं। यहां पर है एक सेल और ये दो हैं पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो ओव्यूल है इसकी रचना कैसी है देख रहे हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और हिलम। हिलम से ये ओवल शेप में है और उसके भीतर सबसे भीतर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल और सिनर्जिड होते हैं। ये हो गया ओव्यूल। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको बताना है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल सिक्स प्रकार के होते हैं, सिक्स टाइप। कौन कौन से होते हैं ओव्यूल देखिए बता रहे हैं। नंबर वन ऑर्थोट्रॉपस, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर की ओर होता है, चलेजा नीचे की ओर होता है, इस प्रकार से। देखिए फ्यूनिकल यहां है, यह माइक्रोपाइल इंट्यूगमेंट, यह है एम्ब्रियो सैक। ये चलेजा फ्यूनिकल माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल ये एम्ब्रियो सैक, ये है आर्थोट्रॉपस। और जो आर्थोट्रॉपस है इसका किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पेपर वेटल पान में। जो पान में जो फ्लॉरिंग होती है, जो उसका गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में पाया जाता है आर्थोट्रॉपस। और इसी प्रकार से काली मिर्च में भी पाया जाता है आर्थोट्रॉपस। नंबर दो है एनाट्रॉपस, एनाट्रॉपस इस तरह से होता है। ये तो आर्थोट्रॉपस, ये स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोपाइल ऊपर की ओर, एनाट्रॉपस में ये नीचे की ओर, जो कि मैं फिगर बनाया था इस प्रकार से। ये इंट्यूगमेंट और ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में चलेजा ऊपर की ओर है, ये माइक्रोपाइल बीच में है। ये हो गया एनाट्रॉपस में। सामान्य रूप से लेग्यूमिनेसी फैमिली में एनाट्रॉपस ओव्यूल पाया जाता है। माइक्रोपाइल यहाँ है, एम फॉर माइक्रोपाइल, सी चलेजा, एफ फ्यूनिकल, एच हाइलम एंड न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, बाकी ये एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो एग्जाम्पल है एनाट्रॉपस का पाया जाता है। नंबर थर्ड है हेमीट्रोपस,
ये लिंक क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं इस पर बहुत से। एंड हेमीट्रॉपस का कंडीशन ये है, आर्थ्रोट्रॉपस हो गया और दम नीचे चला गया, तो ये इसका माइक्रोपाइल, ये हो गया एनोट्रॉपस। अगर इस कंडीशन में रहता है माइक्रोपाइल और ये भाग चैलेजा है तो ये है हेमीट्रॉपस। और हेमीट्रॉपस जो है ये रेनन क्लासिक फैमिली का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, हेमीट्रॉपस की कंडीशन ये होती है। ये हेमीट्रॉपस, फ्यूनिकल हिलम चैलेजा माइक्रोपाइल एम्ब्रियोसैक, ये कंडीशन है जो रेनिनकुलस की फैमिली में पाया जाता है, सामान्य रेनिनकुलस में हेमीट्रॉपस। फोर्थ, फोर्थ में आ जाएंगे हम कंपाइलोट्रॉपस। कंपाइलोट्रॉपस, कंपाइलोट्रॉपस में जो होता है माइक्रोपाइल, ये कुछ इस प्रकार से होता है, लंबा होकर के नीचे की ओर झुक जाता है। कंपाइलोट्रॉपस में जो चिनोपोडियम और कुछ लेगुमिनेसी में भी पाया जाता है, इस प्रकार से होता है माइक्रोपाइल, ऐसे कुछ नीचे की ओर जाकर के, ये माइक्रोपाइल है। और जो एम्ब्रियोसैक है कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यहाँ पर एक सेल, एंटीपोडल, पोलर सेल, माइक्रोपाइल यहाँ पर है। तो कंपाइलोट्रॉपस में बस यही है कि जो माइक्रोपाइल है वो आता तो है हेमीट्रॉपस की तरह, लेकिन जो उसका मुंह होता है वो नीचे की ओर इस प्रकार से बेंड हो जाता है, झुक जाता है इस प्रकार से। कंपाइलोट्रॉपस चिनोपोडियम, चिनोपोडियसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी में कुछ पाया जाता है, तो यह है। अब इसके बाद है एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस पांचवा। एम्फीट्रॉपस में कंडीशन क्या होती है, जो एम्ब्रियो सैक है वो वक्राकार हो जाता है, कर्व शेप्ड हो जाता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनोट्रॉपस की तरह ही होता है। ये लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वो सीधे न रह करके इस कंडीशन में हो जाता है, यह एम्फीट्रॉपस। एम्फीट्रॉपस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावरेसी फैमिली में आता है, ये पोस्ते में पाया जाता है। और लास्ट है सार्सिनोट्रॉपस सिक्स। आप समझते जाते होंगे ये सारे फिगर, आर्थ्रोट्रॉपस, एनोट्रॉपस, हेमीट्रॉपस, कंपाइलोट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस एंड सिक्स लास्ट सार्सिनोट्रॉपस। सार्सिनो, सार्सिनोट्रॉपस में ये ओपेंसिया में पाया जाता है, नागफनी में। यहाँ पर फ्यूनिकल से जो चैलेजा है अंदर की ओर इस प्रकार से चला जाता है मुड़ करके, और माइक्रोपाइल अंदर की ओर बंद हो जाता है आकर के इस प्रकार से। फ्यूनिकल लंबी हो जाती है और एक पूरे राउंड बना लेता है, बाकी स्ट्रक्चर इसका ये चैलेजा है, चैलेजा की ओर हमेशा एंटीपोडल होते हैं और सिनर्जिड और एक्सेल और ये। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सार्सिनोट्रॉपस, ये लास्ट है टाइप ऑफ व्यूल का। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार के व्यूल हो गए, आर्थ्रोट्रॉपस, एनोट्रॉपस, हेमीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस, कंपाइलोट्रॉपस और सार्सिनोट्रॉपस। तो ये के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, व्यूल की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ व्यूल तो कैसे होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं सॉल्व। अब आते हैं हम व्यूल के बारे में, तो समझ गए कि व्यूल कितने प्रकार के होते हैं, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। मेगास्पोर का फॉर्मेशन को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु वाले जानते होंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, प्रारंभ में स्पोर मदर सेल बनते हैं, जो फ्लावर के अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के भीतर सर्वप्रथम सबसे पहले स्पोर मदर सेल बनता है जो डिप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड होता है स्पोर मदर सेल, इसमें मियोटिक डिवीजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है,
और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और एक सेल से चार सेल बनते हैं। तो इसका जो है सेल डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, पहले दो न्यूक्लियस और दो से फिर चार न्यूक्लियस बनता है, जिसको कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। मियोटिक डिवीजन दो, फर्स्ट रिडक्शन और जनरल माइटोसिस होती है, फोर न्यूक्लियस बनते हैं, इसको मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। थ्री जनरेट डीजनरेट कर जाते हैं, तीन नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। जो मेगास्पोर फंक्शनल होता है वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो फंक्शनल होता है वो हैप्लोइड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हैप्लोइड बन गए, डिप्लोइड था, मियोसिस के द्वारा फिर ये हैप्लोइड बन गए। जो हैप्लोइड होता है मेगास्पोर वो एक फंक्शनल होता है मेगास्पोर, उसे माइटोटिक डिवीजन होती है, टू बनाते हैं, टू से फोर बनते हैं, इनमें फिर माइटोटिक डिवीजन होती है, फोर टू एट बनते हैं। अब देखिए जो एट बन गए सेल, तो तीन तो हो जाते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल वो होते हैं व्हील में जो चलेजा की ओर होते हैं, वो एंटीपोडल सेल होते हैं, और दो न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई जो 2x होते हैं, और एक एग सेल बनता है, जबकि उसमें जो तीन बचते हैं वो सिनर्जिक माने सहायक होते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रकार से ये जो पोलर माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ ही होते हैं, और चैलेंजर की तरफ एंटीपोडल होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की ओर एग सेल होते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब इसके बाद पोलिनेशन का नंबर आता है।